अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लर्न विद अफजल में मोहम्मद अफजल आपके साथ। पहली वीडियो में मैंने न्यू स्टाइल से जो ये डीपीसी डाली थी उसका मैंने बताया था और ये ओल्ड का भी मैंने ज़िक्र किया था। तो अब आपको मैं ये साइड पे ले जा के इसके नुकसानात का बताऊंगा कि ये इसके नुकसानात क्या हैं, कैसे लॉस मनी है। तो आप ये साइड पे चल के देखते हैं कि किस तरीके से लोग काम करते हैं और उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसानात हैं और ओनर को क्या चीज़ नुकसान है। चलें साइड पे चलते हैं जी। ये मैं आपको एक दूसरी बिल्डिंग दिखा रहा हूँ जिसमें हम सीम की प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे और यहाँ डबल डीपीसी डाली है उसका भी मैं आपको बताऊँ। ये गैराज है, इसका फिनिश फ्लोर लेवल नीचे है और ये रूम है इतना ही ऊपर है। अगर आप देख रहे हो तो ये जो डीपीसी है ये ऊपर वाली है, मेरे नज़दीक बस ये काफ़ी है। ये आप दूसरी देख रहे हैं ये नीचे है, ये दूसरी वाली, ये इसकी गैराज के लेवल पे डाली है। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है और पैसे का ज़िया है। ये देखिए आप, अब इसको अगर आप देख सकें तो ये सिर्फ़ इस दीवार से फ़ायदा होगा कि इसमें सीम नहीं आएगी, ठीक है, यानी डबल डीपीसी का सिर्फ ये यहाँ से लेके यहाँ तक फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरी साइड बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। ये आप देख रहे हैं ये ड्राइंग रूम, इसका फिनिश फ्लोर लेवल ये देखें ये ऊपर है। अब इसके अंदर जो मिट्टी पड़ी हुई है ये सब बैक साइड इन दीवारों के वो टच कर रही है, उससे वो सैलाब वो सीलन उसकी इस तरफ आएगी तो ये कभी नहीं रुक सकती। इसी तरह ये है, ये अंदर ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम है ये वाला, और इसकी जो फर्शों की मिट्टी है इन ईंटों की बैक साइड से टच है तो इसलिए ये भी नहीं ख़त्म होगी। दो दीवारें हो गई आपने देख ली, अभी भी है सीलन ये। इसी तरह ये तीसरी है, ये देखिए ये भी है, ये भी, तो इसलिए ये कभी ख़त्म नहीं होगी। जो हमने डीपीसी नीचे वाली डालनी है कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना यहाँ सीम ख़त्म होगी ना यहाँ, ये सेकंड और थर्ड। सिर्फ एक इस दीवार के लिए आप इतना ख़र्चा करते हैं, फ़ायदा नहीं इसकी जी। व्यूअर्स, आपने देख लिया कि साइड पे जो मैंने आपको बताया समझ आ गई होगी। अब आप ख़ुद फ़र्क देखें कि फ़र्क क्या है। और ये जो वीडियो न्यू स्टाइल वाली है इसमें और ओल्ड स्टाइल वाली में ये मेरे काम में जो सोचा है, और मैंने सिर्फ वाइट बोर्ड पर नहीं समझाया है आपको, मैंने साइड पे काम करके भी दिखाया। तो मैं जो वाइट बोर्ड पर दिखाऊंगा वो आपको, क्योंकि साइड पे नहायत मुश्किल होता है काम करना, तो वो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करें कि ये मैंने जो बताया है ये ठीक है, इसमें अगर कोई ऐसी बात हो तो मैंने व्हाट्सएप का नंबर दे दिया है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको बकायदा एक्सप्लेन करूंगा। दूसरे मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जो कि हर आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूं कि मैं जितनी वीडियो बनाऊंगा मैं कॉपी नहीं करूंगा, ये पक्की बात है। मैं तमाम न्यू तरीके से वो आपको मैं समझाने की और बताने की कोशिश करूँ। न्यू तरीके से मुराद ये है कि मैंने अमेरिकन के साथ काम किया है, तो एक काफ़ी अरसा काम किया, तो उन लोगों को जिस तरीके से देखा है
और मेरा माइंड भी उसको कबूल किया कि वाकई ही वो आदमी के फ़ायदे की बात है। इंशाल्लाह उन सब तरीक़ों को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो कि आपको फ़ायदा हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।